शुभोदय बच्चों, आज मैं आपको कबीर जी के दोहे के बारे में बताने जा रही हूँ। प्राचीन काल के कवियों के बारे में तो आपको पता ही है। हिंदी की हर एक कक्षा में तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, कबीर, इन सभी संत कवि भक्तकालीन कवियों के बारे में हम पढ़ते आ रहे हैं। तो आज हम कबीर जी के एक दोहे के बारे में पढ़ेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अर्थात कल का काम हमें आज करना है और आज का काम हमें अब करना है, ना कि कल का काम परसों, परसों का काम बाद में। हमें अपने कार्य को टालना नहीं है। पल में परलय, पल यानी क्षण, परलय यानी प्रलय। पल में परलय होगी, किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है। समय के बारे में हमें पता नहीं, कल क्या अनहोनी होने वाली है इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसलिए हमें कल का काम आज और आज का काम अब करना है। इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। वैसे तो विद्यार्थी जीवन के लिए समय का बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी अगर समय की सारणी बनाकर हर एक विषय को ध्यानपूर्ण पढ़े तो वह अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। और ना ही विद्यार्थी जीवन, सभी मनुष्यों के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो समय का सदुपयोग करेगा वही ऊंचाइयों को पा सकेगा, वही अपने लक्ष्य को पा सकेगा। सो कबीर जी के इस दोहे से हमें सीख मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आप सभी को कबीर जी के दोहे के बारे में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो इस दोहे से हम गतिविधि करेंगे, समय की सारणी बनाकर हर एक विषय को समय निर्धारित करें। इस तरह से करने से आप समय का सदुपयोग बहुत ही अच्छी तरह कर पाएंगे। नमस्कार।